मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी के टेबल के बारे में पढ़ा था आज हम लेक्चर फाइव स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या सब पढ़ा है एक बार देखते हैं फिजिकल क्वान्टिटी दो टाइप का होता है फंडामेंटल क्वान्टिटी और डिराइव्ड क्वान्टिटी फंडामेंटल क्वान्टिटी की संख्या केवल सात है और यह क्वांटिटी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता इस सातों क्वांटिटी का नाम है लेंथ मास टाइम करेंट टेम्परेचर ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावे जितना भी फिजिकल क्वांटिटी बच गया उसे हम डिराइव क्वांटिटी कहते हैं जिसकी संख्या बहुत है डिराइव क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता हम लोगों ने यूनिट के बारे में पढ़ा यूनिट दो टाइप का होता है फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को हम क्या कहते हैं डिराइव्ड यूनिट जैसे लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है तो लेंथ का जितना भी यूनिट होगा चाहे मीटर हो सेंटीमीटर हो मिलीमीटर हो फुट हो इंच हो वो सब फंडामेंटल यूनिट होगा मास के किसी भी यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका कोई भी यूनिट ले लें तो वो फंडामेंटल यूनिट होगा इसका मतलब सात फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके किसी भी यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं डिराइव क्वांटिटी के यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट कहेंगे जैसे वेलोसिटी एक डिराइव क्वांटिटी है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर तो ये सब डिराइव्ड यूनिट है एक्सेलरेशन का कोई भी यूनिट ले लें फोर्स का कोई यूनिट ले लें वर्क का कोई यूनिट ले लें इनर्जी का कोई यूनिट ले लें तो जितने भी डिराइव क्वांटिटी हैं उसका कोई भी यूनिट आप ले लें वो सब डिराइव्ड यूनिट है आपने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट्स चार तरह का सिस्टम मैंने पढ़ाया एसआई सिस्टम सीजीएस सिस्टम एफ सिस्टम एमकेएस सिस्टम इस चार सिस्टम में जो जो दो सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एस SI और सी आपको इस दोनों को अच्छे से पढ़ना है सिंबल आपने कई तरह का सिंबल पढ़ा इस सिंबल से हम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करते हैं जैसे इस सिंबल को न्यू पढ़ते हैं इससे फ्रिक्वेंसी को डिनोट किया जाता है फ्रीक्वेंसी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है इसको म्यू पढ़ते हैं इससे परमिबिलिटी को डिनोट किया जाता है यह भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है इसको टाव पढ़ते हैं इससे टॉर्क को डिनोट किया जाता है वह भी डिराइव्ड क्वांटिटी है इस सिंबल को लेमडा पढ़ते हैं लेमडा से वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है वेवलेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है क्योंकि वेवलेंथ का मतलब लेंथ हुआ तो लेंथ तो फंडामेंटल होगा ओमेगा थीटा अल्फा एपसाइलन तो ये सारे सिंबल को आप अच्छे से याद कर लें प्रेफिक्स आपने बहुत सारा प्रेफिक्स पढ़ा प्रेफिक्स का काम है यूनिट के पहले लगना और उसके वैल्यू को चेंज करना कुछ प्रेफिक्स यूनिट के पहले लगकर उसके वैल्यू को घटाता है कुछ प्रेफिक्स यूनिट के पहले लगकर उसके वैल्यू को बढ़ाता है जैसे किलो एक प्रेफिक्स है जिसका सिम्बॉल है के और यह जिस यूनिट के पहले लग जाए उसके वैल्यू को यह एक हजार गुना यानी टेन पर पावर थ्री टाइम्स इंक्रीज करेगा मिली एक प्रेफिक्स है जो किसी यूनिट के पहले लगकर उसके वैल्यू को एक हजार गुना घटाता है यानी इट डिक्रीजेस थाउजेंड टाइम्स ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया इसको आप अच्छे से याद कर लेना इसके अलावा हमने दो टेबल पढ़ा एक टेबल पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटी का जिसमें हमने सारे फंडामेंटल क्वांटिटी का एसआई SI यूनिट बताया सी यूनिट बताया और डायमेंशन बताया इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेना टेबल टू में मैंने इंपॉर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स वर्क या एनर्जी, टॉर्क प्रेशर एरिया वॉल्यूम फ्रिक्वेंसी डेंसिटी चार्ज पोटेंशियल लीनियर मोमेंटम इम्पल्स मैग्नेटिक फील्ड ये सब का आपको मैंने डायमेंशन पढ़ाया फॉर्मूला पढ़ाया ऐसा SI यूनिट पढ़ाया सी जी एस यूनिट तो ये टेबल टू भी आप याद कर लें ये सबको आप अच्छे से लर्न कर लें चूंकि फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या केवल सात है तो यह टेबल तो आप इजी वे में याद कर सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी की संख्या बहुत है जिसमें से सत्रह डिराइव क्वांटिटी को मैंने इंपॉर्टेंट डिराइव क्वांटिटी मानते हुए उसका सब कुछ आपको याद करवा दिया अब बाकी जो डिराइव क्वांटिटी बच गया उसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे उसको सीखना है ठीक है उसको भी हम आज के क्लास में सिखाएंगे अब देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला होता है उस फार्मूला से आप उसका यूनिट निकाल सकते हैं उस फार्मूला से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं अर्थात अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट निकालना हो या उसका डायमेंशन निकालना हो तो आप फार्मूला से ही निकालें चाहे ऐसा यूनिट निकालना हो सी निकालना हो एफ निकालना हो या अदर यूनिट निकालना हो हमेशा फार्मूला से निकालना बेहतर होता है कभी कभी हम डायमेंशन से भी यूनिट निकाल सकते हैं या यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं यह भी एक तरीका है ठीक है तो नाइनटी फाइव परसेंट केस में यह तरीका काम करता है लेकिन फाइव परसेंट केस में यह तरीका काम नहीं करता है कभी कभी इस मेथड से आपको गलत रिजल्ट आ सकता है या इस मेथड से जो रिजल्ट आएगा वो सही होगा लेकिन इनअप्रोप्रिएट होगा वो मैने बहुत सटीक नहीं होगा सही होगा बिल्कुल करेक्ट होगा लेकिन सटीक नहीं होगा तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट या डायमेंशन निकालना है वो भी सही तरीके से तो आप केवल फॉर्मूला से ही यह काम करें एक एग्जाम्पल देते हैं एंगल एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं जिसका सिंबल है थीटा इसका ऐसा यूनिट हमने पढ़ाया था रेडियन और यह एंगल जो है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता यानी यह डायमेंशन लेस होता है अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस है यानी विमाहीन है तो उसके डायमेंशन को हम एम ज़ीरो एल जीरो टी ज़ीरो लिखते हैं या फिर वन लिखते हैं तो अभी अभी हाँ, आप देख रहे थे कि हम यूनिट से डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या एंगल का जो यूनिट है रेडियन क्या रेडियन से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन क्या रेडियन के मदद से आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं इसका तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है तो इससे ये नहीं निकलेगा तो बहुत केस में आप देख सकते हैं कि यूनिट से डायमेंशन नहीं निकलता है या गलत निकलता है इन अप्रोप्रिएट निकलता है डायमेंशन से यूनिट प्रायः सही निकलता है लेकिन कभी कभी यह भी गलत रिजल्ट देता है या अप्रोप्रिएट मैंने बहुत सटीक नहीं देगा सही देगा सटीक नहीं देगा तो बेस्ट मेथड है कि आपको कोई भी यूनिट निकालना हो या डायमेंशन निकालना हो तो आप फॉर्मूला का यूज़ करें ठीक है एक बात और याद रखिए मान लीजिए यह एक इक्वेशन है ए इक्वल टू बी इंटू सी बाई डी इंटू ई यह क्या है एक इक्वेशन है इस इक्वेशन से या इस फॉर्मूला से हमको b का डायमेंशन निकालना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ b अब देखिए b किधर है b यहां पर छुपा हुआ है तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना है उसको हमेशा एक तरफ कर दो और बाकी को दूसरे तरफ तो इसके लिए करना क्या होगा ये d इंटू ई e को उठा के पहले इधर ले आओ तो क्या लिख सकते हैं ए इंटू डी इंटू ई इक्वल टू बी इंटू सी उसके बाद सी को हटा के नीचे कर दो तो ए इंटू डी इंटू ई बाई सी बराबर बी अब देखिए बी एक तरफ आ गया और बाकी सब दूसरे तरफ चला गया अब हम लिख सकते हैं बी बराबर ए डी ई बाई सी बी का डायमेंशन निकालना है क्वेश्चन में क्या करा बी का डायमेंशन निकालना तो जिसका डायमेंशन निकालना है उसको हमेशा एक तरफ रखिए और बाकी सबको दूसरे तरफ डाल दीजिए अब B का डायमेंशन निकालना है तो B को एक बड़ी ब्रैकेट में घेरेंगे तो ये B का डायमेंशन किसके बराबर होगा इन तीनों यानी इन चारों के डायमेंशन का वैल्यू पुट करिएगा तो आपको B का डायमेंशन निकल जाएगा तो A का डायमेंशन इंटू डी का डायमेंशन इंटू का डायमेंशन बाई सी का डायमेंशन तो इस तरह से सबका डायमेंशन रखकर सॉल्व करने पर बी का डायमेंशन मिल जाएगा इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं एक इक्वेशन है ई इक्वल टू एचन यू यह एक इक्वेशन है ठीक है ये एच का डायमेंशन निकालना है कैसे निकालेंगे एच का डायमेंशन तो एच को आप एक तरफ करें और बाकी को दूसरे तरफ तो न्यू इधर मल्टीप्लाई में है इसको अगर नीचे ले जाएं इधर ले आए तो ये डिवाइड में जाएगा अब एच बराबर क्या निकल गया ई बाय न्यू एच एक तरफ आ गया बाकी सब दूसरे तरफ चला गया अब एच का डायमेंशन किसके बराबर होगा इनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी इस दोनों का डायमेंशन रख के सॉल्व कर देंगे एच का डायमेंशन मिल जाएगा तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है आप याद रखें किसी भी फार्मूला से अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है या यूनिट निकालना है चाहे कोई भी यूनिट निकालना है तो उस फार्मूला में उस फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा एक तरफ करें और बाकी को दूसरे तरफ करें ठीक है उसके बाद आप डायमेंशन पुट करिए अगर इस दोनों का हम ऐसा यूनिट पुट करेंगे तो इसका ऐसा यूनिट मिलेगा इस दोनों का सीजीएस यूनिट पुट करेंगे इसका सीजीएस मिल जाएगा इस दोनों का अदर यूनिट पुट करेंगे इसका अदर मिल जाएगा इस दोनों का डायमेंशन पुट करेंगे इसका डायमेंशन मिल जाएगा फिर से हम बोल रहे हैं लास्ट बार किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन निकालना हो या यूनिट निकालना हो तो फार्मूला से निकालें पहला बात याद रखिए फार्मूला से ही निकालें दूसरा जब आप फार्मूला का यूज करेंगे तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना है उसको हमेशा एक तरफ रखेंगे बाकी को दूसरे तरफ ठीक है चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास डायमेंशन ऑफ अदर डिराइव क्वांटिटीज यहां से आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे पहले समझ लीजिए फिर लिखते रहिएगा डायमेंशन ऑफ अदर डिराइव क्वांटिटीज अन्य वित्पन्न राशियों की बीमा तो हम लोगों ने सत्रह डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन देखा उसको याद भी किया लेकिन अब जो हम डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशन बताएंगे उसको याद नहीं करना है केवल समझना है ठीक है क्योंकि कितना सर आप याद करेंगे पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट डिराव क्वांटिटी था उसका मैंने टेबल टू में आपको याद करवा दिया अब ये डिराइव क्वांटिटी एक्स्ट्रा है तो इन सारे को आप देखते चलिए और समझते चलिए कि किस तरह से हम डायमेंशन निकालते हैं पहला डिराइव क्वांटिटी है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट प्लैंक्स कॉन्स्टेंट को हिंदी में प्लांक नियतांक कहते हैं कॉन्स्टेंट को नियतांक कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज ना हो प्लैंक एक वैज्ञानिक का नाम है प्लैंक वॉज ए साइंटिस्ट प्लैंक एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर यह कांस्टेंट का नाम पड़ा प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट का सिंबल है स्मॉल एच देख रहे हैं एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है ठीक है और ऐसा यूनिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो अगर प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है तो सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखना होगा तो हमने यहां पर फॉर्मूला लिखा ई इक्वल टू एच न्यू यह एक फार्मूला है ठीक है जहां ई e क्या है इनर्जी और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी देखिए इस फॉर्मूला में तीन फिजिकल क्वांटिटी है ई e का मतलब एनर्जी एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी ये एक फार्मूला है अब इस फार्मूला से हमको एच का क्या लिखा डायमेंशन निकालना है तो एच का डायमेंशन निकालने के लिए एच को एक तरफ करिए बाकी को दूसरे तरफ तो हम अगर फ्रिक्वेंसी को उठा के नीचे डाल दें तो इधर क्या बच जाएगा एच तो एच बराबर मिल गया ई बाय न्यू ठीक है अब एच का डायमेंशन किसके बराबर होगा इनर्जी बाय फ्रिक्वेंसी के अब दोनों का डायमेंशन रख देते हैं इनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपको याद होगा इनर्जी का डायमेंशन जो टेबल टू में है, जो डिराइव क्वांटिटी था उसमें इनर्जी भी था वर्क या एनर्जी टू फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन आपको याद होगा टी माइनस वन होता है अब देखिए यहां भी टी है यहां भी टी है तो ये डिवीजन में है बेस सेम है ये पावर ऊपर जाएगा तो घटेगा तो ये माइनस वन घटने के बाद प्लस वन हो जाएगा यानी साइन चेंज होता है तो ये हो जाएगा सबसे पहले हम m को लिखेंगे तो m लिख दिए फिर l को लिखेंगे l स्क्वायर हो गया फिर t को लिखेंगे तो t तो यहां भी है यहां भी है तो ये माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन होगा तो माइनस टू प्लस वन कितना हो गया माइनस वन तो इस तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन मिल गया ठीक है तो सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए मैंने क्या किया एक फार्मूला लिखा उस फॉर्मूला में प्लैंक्स कांस्टेंट को एक तरफ किया बाकी को दूसरे तरफ फिर सबका डायमेंशन पुट करके सॉल्व कर दिया निकल गया इसका अब ऐसा यूनिट लिखना है प्लैंक्स कांस्टेंट का ऐसा यूनिट लिखना है तो आपको मैंने बताया था कि अगर ऐसा यूनिट निकालना हो या सी या आई कोई भी यूनिट निकालना हो तो आप फॉर्मूला से निकालें डायमेंशन से भी निकाल सकते हैं ठीक है लेकिन वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं आएगा तो चलिए हम फॉर्मूला से देख लेते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है यहां देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी अब दोनों का ऐसा यूनिट डाल दीजिए इसका ऐसा यूनिट मिल जाएगा एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल फ्रीक्वेंसी का होता है सेकेंड इनवर्स तो यहां पर हम क्या लिखेंगे जूल बाय सेकेंड इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं जूल सेकेंड ये सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड तो जूल सेकेंड तो प्लैंक्स कांस्टेंट का ऐसा यूनिट हो गया जूल सेकेंड अगर हम डायमेंशन से निकालेंगे हम डायमेंशन से भी निकाल सकते हैं तो ये एम का मतलब मास मास का के जी एल का मतलब लेंथ इसका ऐसा यूनिट मीटर तो मीटर का स्क्वायर टी का मतलब टाइम इसका ऐसा यूनिट सेकेंड सेकेंड माइनस वन तो डायमेंशन से अगर ऐसा यूनिट निकालें तो ये होगा और अगर फॉर्मूला से ऐसे यूनिट निकालें तो ये होगा इस दो ये दोनों ही सही है ये भी सही है ये भी सही है पर सबसे ज्यादा सटीक ये वाला है जूल सेकेंड अगर आप जूल इंटू सेकेंड को सॉल्व करेंगे जूल को तोड़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा इसका मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट का ऐसा यूनिट आप ये भी बोल सकते हैं ये भी बोल सकते हैं पर दोनों में सबसे ज्यादा सटीक कौन सा है सटीक ये वाला है जो फॉर्मूला से आप निकालते हो वो ज्यादा सटीक होता है जो आप डायमेंशन से निकालते हो वो भी सही है पर वो सटीक नहीं है ठीक है ये दोनों सेम है ये दोनों सेम है इसको आप चेक कैसे करेंगे जूल का मतलब क्या हो गया जूल का मतलब होता है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर उसको जब आप सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सेकेंड कैंसिल होगा तो बच जाएगा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका मतलब ये और ये एक ही है सेकेंड है बोल्जमैन कॉन्स्टेंट बोल्जमैन एक साइंटिस्ट का नाम है इसको हिंदी में कहते हैं बोल्जमैन नियतांक इसका सिंबल है के तो बोल्जमैन कॉन्स्टेंट का डायमेंशन निकालना है बोल्जमैन कॉन्स्टेंट एक डिराइव्ड क्वांटिटी है इसका डायमेंशन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना चाहिए तो हमने एक फॉर्मूला लिखा ई इक्वल टू थ्री बाई टू के टी जहां ई e क्या है एनर्जी है और टी क्या है टेम्परेचर है तो इस इक्वेशन में तीन फिजिकल क्वांटिटी है ई के टी ई का मतलब इनर्जी के का मतलब बोल्जमैन कांस्टेंट और टी का मतलब टेम्परेचर ये कैपिटल टी का मतलब टेम्परेचर होगा स्मॉल टी का मतलब टाइम होगा ठीक है आपको के का डायमेंशन निकालना है तो के को एक तरफ करिए और बाकी को दूसरे तरफ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ये टू कहां चलाएगा ई e के साथ टू ई इक्वल टू थ्री के टी K बराबर क्या मिल जाएगा ये थ्री और टी को नीचे डाल दो तो के इक्वल टू टू बाई थ्री टी सबसे पहले क्या किए कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखे फॉर्मूला में क्या किए फिर के को एक तरफ बाकी को दूसरे तरफ अब के का डायमेंशन निकालना है तो सबका डायमेंशन पुट करो टू बाई थ्री टी ये टू क्या है एक नंबर है नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता तो टू का डायमेंशन नहीं होगा थ्री का डायमेंशन नहीं होगा ई e का मतलब एनर्जी एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू टी का मतलब टेम्परेचर टेम्परेचर का डायमेंशन के होता है कैलविन के तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के को ऊपर ले जाकर लिखेंगे के माइनस वन इसका ऐसा यूनिट आप फॉर्मूला से निकालेंगे कि डायमेंशन से निकालेंगे हम दोनों से निकाल सकते हैं लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट कहाँ से आएगा फॉर्मूला से तो के का फॉर्मूला क्या होता है टू ई बाई थ्री टी ये के का फॉर्मूला निकला है ना टू ई बाई थ्री टी अब एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है कैलविन तो जूल पर कैलविन ये हो गया आपको ऐसा यूनिट किसका वोल्जमैन कांस्टेंट का अगर हम डायमेंशन से लिखें तो मास का ऐसा यूनिट हो गया के लेंथ का मीटर टाइम का सेकेंड और ये कैलविन है तो के तो ये और ये दोनों सेम है लेकिन ज़्यादा सटीक या ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा हो गया जूल पर कैलविन इसका मतलब बोल्डमैन कांस्टेंट का ऐसा यूनिट जूल पर कैल्विन बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा आप के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू कैल्विन इन्वर्स ये भी लिख सकते हैं ये दोनों एक ही है ये वाला जो यूनिट निकला ये डायमेंशन के मदद से निकला और ये जो यूनिट निकला ये फॉर्मूला से निकला तो फार्मूला वाले को ज़्यादा सटीक मानते हुए ये ज़्यादा सटीक है और ये भी सही है लेकिन ये उतना सटीक नहीं है अगर हम जूल को तोड़ेंगे तो जूल को तोड़कर क्या लिखेंगे के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं ना जूल का मतलब वर्क का ऐसा यूनिट होता है वर्क का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है ये जो डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक ये वर्क का डायमेंशन है तो के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू को जूल कहते हैं तो जूल के जगह मैंने लिखा के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू और केल्विन को ऊपर लिखा ये दोनों एक ही चीज़ है कोई फ़र्क नहीं है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट को गैस नियतांक कहते हैं इसका सिंबल है आर गैस कांस्टेंट का डायमेंशन लिखने के लिए एक फॉर्मूला पहले लिखेंगे पी वी इक्वल टू एन आर टी यह एक फॉर्मूला है जहां पी प्रेशर है भी वॉल्यूम है भी क्या है वॉल्यूम यहां पर देखिए लिखा हुआ पी का मतलब प्रेशर यानी दाब भी का मतलब वॉल्यूम आयतन एन का मतलब नंबर ऑफ मोल यानी मोलों की संख्या का मतलब टेम्परेचर यानी तापमान यह फॉर्मूला तो लिख दिए इस फॉर्मूला के मदद से आर का डायमेंशन निकालना है अब देखिए आर को एक तरफ करेंगे बाकी को दूसरे तरफ करेंगे तो ये एन और टी को नीचे डाल दो तो इधर आर अकेला हो जाएगा आर इक्वल टू पी वी बाई एन टी तो आर का डायमेंशन पी वी बाई एन टी के डायमेंशन के बराबर होगा पी का मतलब प्रेशर प्रेशर का डायमेंशन आपको याद होगा टेबल टू में हम लिखाए थे एम एल माइनस वन टी माइनस टू वॉल्यूम का भी टेबल टू में लिखाए थे एल क्यूब नंबर ऑफ मोल का मोल हो जाएगा और टेम्परेचर का के हो जाएगा कैलविन तो आर का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एम अब यहाँ भी एल है यहाँ भी एल है दोनों मल्टीप्लाई में है पावर एड कर दो माइनस वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा टू टी माइनस टू के को ऊपर ले जाओ के माइनस वन लास्ट में लिखोगे मोल माइनस वन सबसे पहले मास लिखोगे फिर लेंथ लिखोगे फिर टाइम लिखोगे फिर टेम्परेचर लिखोगे और लास्ट में मोल लिखोगे ऐसा SI यूनिट इसका कैसे लिखेंगे तो इसका ऐसा SI यूनिट इसके फॉर्मूला से आप निकालिएगा तो आर का फॉर्मूला क्या होता है पी भी बाई एन टी आर का फॉर्मूला क्या है पी भी बाई एन टी तो अब इसका ऐसा SI यूनिट यहां से निकालेंगे प्रेशर इंटू वॉल्यूम प्रेशर इंटू वॉल्यूम को वर्क कहते हैं यानी एनर्जी एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा जूल तो यहां लिखेंगे जूल बाय नंबर ऑफ मोल को मोल लिखेंगे और टेम्परेचर को के यानी कैल्विन लिखेंगे तो जूल पर मोल कैल्विन हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट क्या निकल गया जूल पर मोल कैल्विन और अगर हम डायमेंशन से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे के जी मास का ऐसा यूनिट के जी लेंथ का मीटर के जी मीटर स्क्वायर टाइम का सेकेंड माइनस टू कैलविन इनवर्स मोल इनवर्स आप ये भी लिख सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा सटीक ये है जूल पर मोल कैलविन अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम को वर्क कैसे कहते हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम को वर्क इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम ये देखिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है एल क्यूब इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा एम प्रेशर इंटू वॉल्यूम प्रेशर का डायमेंशन हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू वॉल्यूम का हो गया एल क्यूब इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा एल माइनस वन और एल क्यूब एल स्क्वायर हो गया तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ये तो वर्क का डायमेंशन होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम प्रेशर इंटू वॉल्यूम प्रेशर का डायमेंशन होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यूब इसको सॉल्व करने पर आ गया एम माइनस वन प्लस थ्री ये टू आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू यह डायमेंशन वर्क का होता है इसका मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम को हम क्या समझेंगे वर्क तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम चूंकि वर्क के बराबर होता है इसलिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम का ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल ठीक है इसलिए मैंने जूल लिखा नेक्स्ट <laughs> क्या है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इसका सिंबल देखिए क्या ईटा ये जो सिंबल है इसको ईटा पढ़ते हैं हिंदी में कहते हैं शानता गुणांक कोफिशियंट का मतलब गुणांक विस्कोसिटी को शानता कहते हैं इसका डायमेंशन निकालना है कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालना है तो सबसे पहले फार्मूला लिखिए एफ इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर भी जहां ईटा क्या है कॉफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी है एफ का मतलब फोर्स हो गया आर का मतलब रेडियस हो गया और वी का मतलब वेलोसिटी हो गया यहां पे सबका मीनिंग मैंने लिख दिया है फोर्स रेडियस वेलोसिटी अब ईटा को एक तरफ कर दीजिए सिक्स पाई आर भी इसको हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो सिक्स पाई आर भी कहां चला जाएगा एफ के नीचे चला जाएगा अब सबका डायमेंशन डालिए ईटा का डायमेंशन हो जाएगा एफ बाई भी फोर्स का डायमेंशन क्या होता है एम एल्टी माइनस टू मास इन टू एक्सलेशन सिक्स नंबर है इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा आर का मतलब रेडियस रेडियस का मतलब लेंथ वेलोसिटी का कैंसिल हो गया सबसे पहले एम लिखिए एल यहां नीचे में है इसका पावर वन है अगर इसको ऊपर लिखेंगे तो एल माइनस वन होगा और ये माइनस टू और ये माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन होगा तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन तो ईटा का डायमेंशन हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन इसका ऐसा SI यूनिट अगर हम डायमेंशन से लिखें तो क्या लिखेंगे के जी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स यहाँ से ऐसा SI यूनिट निकल गया लेकिन अगर इसका ऐसा यूनिट यहाँ से लिखें फार्मूला से ये जो फार्मूला निकालें ईटा का एफ बाई सिक्स पाई आर भी तो फोर्स का ऐसा SI यूनिट न्यूटन होता है तो ऊपर में हम क्या लिखेंगे न्यूटन नीचे में सिक्स पाई का तो कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा ये नंबर है इसको छोड़ दीजिए तो ऊपर हो गया न्यूटन बाय न्यूटन बाय सिक्स पाई का कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा रेडियस का ऐसा यूनिट लेंथ के बराबर यानी मीटर होगा और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड तो मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड ये सेकेंड कहाँ चला जाएगा ऊपर तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा अब बाय मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर तो आपने जो फॉर्मूला से निकाला ऐसा यूनिट ये ज्यादा सटीक है ये भी सही है ये दोनों एक ही चीज है इसको अगर आप तोड़ोगे तो यही मिलेगा न्यूटन को आप तोड़िए न्यूटन का फॉर्मूला न्यूटन को तोड़ के क्या लिखेंगे के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसी को ना न्यूटन कहते हैं तो के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटू सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर एक मीटर कैंसिल हो गया तो क्या बच गया के जी ये मीटर नीचे में है इसको ऊपर ले जाकर लिखो मीटर इनवर्स ये सेकेंड माइनस टू इंटू सेकेंड कितना हो गया सेकेंड माइनस वन वही चीज आ गया तो ये और ये सेम है लेकिन ये ज्यादा अच्छा है इसलिए हमेशा यूनिट को कहां से लिखना चाहिए फॉर्मूला से पर डायमेंशन से भी यूनिट निकलता है इस बात को भी आप ध्यान में रखिए अब तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम डायमेंशन निकालते हैं पहले फार्मूला लिखो फिर उसमें एक तरफ कर दो बाकी को दूसरे तरफ कर दो जिसका डायमेंशन निकालना है उसको एक तरफ करिए बाकी को दूसरे तरफ फिर सबका डायमेंशन पुट करके सॉल्व कर दीजिए और यूनिट निकालना हो तो वो भी फार्मूला से निकालेंगे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इसका सिंबल है जी इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक फार्मूला है एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर यह फार्मूला है ये दो मास के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है जहां एम वन एम टू दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम वन एम टू और दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर जहां आर क्या है डिस्टेंस है दोनों के बीच का तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर अब यहां क्या, क्या करेंगे आर स्क्वायर को उठा के इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू को नीचे कर देंगे तो इधर क्या बच जाएगा जी तो जी बराबर एफ आर स्क्वायर बाय एम वन एम टू जी को हमने एक तरफ इसलिए किया क्योंकि जी का ही डायमेंशन निकालना है अब जी का डायमेंशन किसके बराबर होगा इन सब के डायमेंशन के बराबर जी का डायमेंशन होगा तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू आर स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर लेंथ स्क्वायर और ये भी मास है ये भी मास है तो एम इंटू एम एक एम कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा एम इनवर्स एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब टी माइनस टू ठीक है ये जी का डायमेंशन मिल गया इसका ऐसा यूनिट यहां से निकाल लीजिए फॉर्मूला से फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन ये लेंथ है यानी रेडियस का मतलब लेंथ मीटर स्क्वायर बाय के जी इन के जी मास का ऐसा यूनिट के जी तो के जी स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर ये ऐसा यूनिट हो गया डायमेंशन से निकालिएगा तो के जी इन मीटर क्यूब सेकेंड माइनस टू पर इससे ज्यादा सटीक ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर ठीक है नेक्स्ट क्या है रेसिस्टेंस सिक्स नंबर में क्या है रेसिस्टेंस देखिए रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस एक फॉर्मूला है वी इक्वल टू आई आर फॉर्मूला क्या है वी इक्वल टू आई इन टू आर जहां भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल को हिंदी में विभव कहते हैं डिफरेंस का मतलब अंतर यानी विभवांतर और आई क्या है करेंट आप जानते हैं रेसिस्टेंस को प्रतिरोध कहते हैं जिसका यह सिंबॉल होता है यह एक रेसिस्टर है या रेसिस्टेंस है आर इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस भी है इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भी और इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई एमपियर का करंट फ्लो हो रहा है तो भी इक्वल टू आई आर ये ओम का नियम है आप लोग जानते होंगे पढ़े होंगे अब यहां पर देखिए आर बराबर हम क्या लिखेंगे भी बाय आई क्योंकि आर का डायमेंशन निकालना है तो आर को एक तरफ करो बाकी को दूसरे तरफ करो आर का डायमेंशन पोटेंशियल का डायमेंशन आपको याद होगा टेबल टू में हमने पोटेंशियल का डायमेंशन बोला था याद रखने तो पोटेंशियल का ऐसे फॉर्मूला तो था वर्क बाई चार्ज अगर आप भूल गए हैं तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं लेकिन पोटेंशियल का डायमेंशन आप याद रखिए एमएल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस वन होता है ये एमएल स्क्वायर टी माइनस थ्री पावर का डायमेंशन होता है और एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस वन ये पोटेंशियल का डायमेंशन होता है और करेंट का डायमेंशन आई भी लिख सकते हैं ए भी लिख सकते हैं हम लोग आई लिखते हैं आप चाहें तो ए भी लिख सकते हैं इसको सॉल्व करने पर मिल जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री अब यहां पर देखो आई और यहां पर भी आई यहां पावर वन है ऊपर माइनस वन होगा तो माइनस टू हो जाएगा आर का ऐसा यूनिट फॉर्मूला से क्या निकलेगा ऊपर है पोटेंशियल नीचे है करेंट ये पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल ही होगा तो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर इसका रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर रेसिस्टेंस का ऐसा ही होता है वोल्ट पर एम्पियर जिसको हम ओम कहते हैं क्या कहते हैं ओम अगर रेसिस्टेंस का डायमेंशन से ऐसा यूनिट निकाला जाए तो क्या लिखेंगे के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस थ्री एम्पियर माइनस टू पर यह जो ऐसा यूनिट है यह सही है पर ज्यादा सटीक यह है वोल्ट पर एम्पियर ओम इसी का ज्यादा इस्तेमाल होता है नेक्स्ट है कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस को कैपेसिटी भी कहते हैं इसका सिंबल है सी इसको हिंदी में कहते हैं धारिता कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय पोटेंशियल क्यू का मतलब चार्ज भी का मतलब पोटेंशियल सी का डायमेंशन होगा क्यू बाय भी के बराबर चार्ज का डायमेंशन होता है आई टी करेंट इन टू टाइम ये चार्ज का डायमेंशन आई टी होता है ये टेबल टू में आप देख लेना पोटेंशियल का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस वन पावर का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री पोटेंशियल का होता है एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस वन इसको सॉल्व कैसे करेंगे सबसे पहले एम को आप लिखिए एम नीचे में है इसको ऊपर कर दो एम माइनस वन होगा क्योंकि यहाँ पावर वन है फिर एल एल नीचे है इसको ऊपर करो एल माइनस टू होगा फिर टी अब देखिए टी दो जगह एक यहां पर भी टी है एक यहां पर भी टी है यहां पर वन पावर है यहां माइनस थ्री पावर है ये माइनस थ्री जब ऊपर जाएगा तो प्लस थ्री होगा तो वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा फोर और यहां पर वन है और यहां माइनस वन है माइनस वन को ऊपर कर दो प्लस वन होगा तो टू कैपेसिटी का ऐसा यूनिट यहां से निकालो फॉर्मूला से सी का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बाई भी चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है कूलम या पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है वोल्ट कूलम पर वोल्ट जिसको हम फेराड कहते हैं यानी कैपेसिटी का ऐसा यूनिट कूलम पर वोल्ट होता है जिसको फेराड कहते हैं अगर आप डायमेंशन से लिखिएगा तो डायमेंशन से भी लिखा जा सकता है यह डायमेंशन के जी इनवर्स मीटर माइनस टू सेकेंड फोर एम्पियर स्क्वायर ये इसका ऐसा यूनिट निकला ये दोनों ही ऐसा यूनिट है ये दोनों सेम है कोई फर्क नहीं है पर ये लिखिए ज्यादा अच्छा होगा ये फॉर्मूला से जो निकालें नेक्स्ट क्या है इंडक्टेंस इंडक्टेंस इसको प्रेरकत्व कहते हैं इसका सिंबल है एल एक फॉर्मूला ई इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर जहां ई e क्या है इनर्जी ई e क्या है इनर्जी और आई क्या है करेंट आई क्या है करेंट ये जो सिंबल है यह इंडक्टर का है यह किसका सिंबल है इंडक्टर का जब किसी इंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है किसी इंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है तो ये इंडक्टर जो एक तार का बना हुआ क्वाइल होता है जब इससे करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस मैग्नेटिक फील्ड में इनर्जी जमा होता है इनर्जी स्टोर होता है उसी इनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर जहां एल क्या है इंडक्टेंस ठीक है एल क्या है इंडक्टेंस ई e बराबर हाफ एल आई स्क्वायर यहां से एल बराबर क्या लिख सकते हैं टू ई बाय आई स्क्वायर ये टू को इधर कर दो आई स्क्वायर को नीचे कर दो एल फ्री हो गया अब एल का डायमेंशन होगा टू ई बाय आई स्क्वायर के बराबर टू का तो डायमेंशन होगा नहीं एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर होता है एमएल स्क्वायर टी माइनस टू करेंट स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आई माइनस टू अगर ये फॉर्मूला से निकाले ऐसा यूनिट तो एल का फॉर्मूला क्या होता है इनर्जी बाय करेंट स्क्वायर एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल करेंट का एम्पियर तो जूल पर एम्पियर स्क्वायर जिसको हेनरी कहते हैं इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी होता है अगर डायमेंशन से लिखें तो मास के लिए के लिखेंगे लेंथ के लिए मीटर लिखेंगे टाइम के लिए सेकेंड लिखेंगे और करेंट के लिए एम्पियर लिखेंगे सबका पावर डाल दीजिए के मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू एम्पियर माइनस टू ये इसका ऐसा यूनिट कहाँ से निकला डायमेंसन से और ये ऐसा यूनिट कहाँ से निकला फॉर्मूला से दोनों में कोई फर्क नहीं है पर ये ज़्यादा अच्छा है ठीक है नाइन नंबर में क्या है परमिटिविटी परमिटिविटी को परावैद्युतांग कहते हैं इसका सिंबल है एप्सैल नॉट इसको नॉट पढ़ते हैं एप्सैल नॉट एक फॉर्मूला है एफ इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सैल नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर जहां क्यू वन क्यू टू दो चार्ज है एक चार्ज है क्यू और एक चार्ज है क्यू दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर यह दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाता है उस फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू वन बाय फोर पाइप एप्स नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर जहां आर क्या है डिस्टेंस है एपसैलन नॉट का डायमेंशन निकालना है तो एपसैलन नॉट को एक तरफ कर दो और बाकी को दूसरे तरफ एपसैलन नॉट डिवाइड में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा और एफ को नीचे कर देंगे तो एपसेल नॉट इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू बाय फोर आर स्क्वायर हमने क्या किया एप्स नॉट और एफ दोनों का जगह अदला बदली कर दिया दोनों का जगह क्या कर दिया अदला बदली नॉट को ऊपर कर दिया और एफ को यहां नीचे रख दिया तो ये फॉर्मूला आ गया नॉट का अब नॉट का डायमेंशन सबके डायमेंशन के, के बराबर होगा ऊपर में देखो ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है चार्ज का डायमेंशन होता आई और उसका भी डायमेंशन होगा आईटी फोर पाई एक नंबर है इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा फोर्स का डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस टू आर स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर डिस्टेंस का तो डायमेंशन लेंथ के बराबर होगा अब इसको सॉल्व करेंगे आई टी इंटू आई टी आई स्क्वायर टी स्क्वायर एम एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब टी माइनस टू सबसे पहले एम को लिखिए ऊपर ले जाकर लिखेंगे एम इनवर्स एल को ऊपर करेंगे एल माइनस थ्री माइनस टू यहां एड होगा प्लस टू यानी टी फोर और लास्ट में आई स्क्वायर ऐसा यूनिट लिखेंगे फॉर्मूला से नॉट का फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है पाई स्क्वायर सब का यूनिट बोलिए चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम ये भी चार्ज है कूलम 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 हैुलम स्क्वायर फोर पाई नंबर है इसका कोई यूनिट नहीं होगा फोर्स का न्यूटन आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर तो कुलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर इसको हम फेराड पर मीटर भी लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे इसको समझिए और यह जो यूनिट है यह डायमेंशन से निकाला गया के जी मीटर माइनस थ्री सेकेंड फोर एमपियर स्क्वायर तो यह भी ऐसा यूनिट होगा यह भी ऐसा यूनिट होगा और यह भी ऐसा यूनिट है इसको हमने फैराड पर मीटर कैसे लिखा यह समझिए कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है क्यू बाई अभी आपको मैंने पढ़ाया था कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है क्यू बाई चार्ज बाय पोटेंशियल चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है कूलम पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है वोल्ट तो कूलम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं फराड कूलम पर वोल्ट को हम क्या लिखते हैं फराड वोल्ट वोल्ट को अगर तोड़ा जाए तो क्या लिखेंगे वोल्ट को तोड़ा जाए तो लिखेंगे जूल पर कूलम जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं आप देखिएगा टेबल टू में जब हम पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट लिखे हैं तो उसको मैंने वर्क बाय चार्ज यानी जूल पर कूलम को ही वोल्ट कहते हैं अब यहां पर कुलम्ब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कुलम्ब स्क्वायर और जूल को तोड़कर क्या लिखते हैं न्यूटन मीटर क्योंकि जूल का मतलब वर्क और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अब देखिएगा टेबल टू में जाकर जूल को हमने न्यूटन मीटर भी लिखा है और वोल्ट को हमने जूल पर कुलम लिखा है तो कुलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर इसी को हम फेराड कहते हैं फिर से समझिए कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय पोटेंशियल चार्ज का ऐसा यूनिट कुलम पोटेंशियल का वोल्ट म पर वोल्ट को फैराड कहते हैं तो कैपेसिटी का ऐसा यूनिट कुलम पर वोल्ट भी लिख सकते हैं कैपेसिटी का ऐसा यूनिट फैराड भी लिख सकते हैं कैपेसिटी का ऐसा यूनिट कुलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं अब यहां पर देखिए यहां पर है कुलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर यहां पर दो मीटर है तो इसको हम क्या लिखेंगे कुलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर इन टू मीटर कुलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर को फैराड लिख दिए और एक मीटर को नीचे लिख दिए फैराड पर मीटर ठीक है कुलंब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं फैराड इसी को ना फैराड बोलते हैं कुलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं फैराड ठीक है अब इसको भी मीटर से डिवाइड करिए इसको भी मीटर से डिवाइड करिए तो इसका मतलब कुलंब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर को फैराड पर मीटर कहेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा तब ये सब चीज होगा सेट इसीलिए जो पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स के लिए जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आप ऐसा यूनिट सी यूनिट या डायमेंशन ये सब में उलझते रहिएगा जिसके वजह से आपका पूरा फिजिक्स खराब हो जाएगा इसीलिए इस पर मेहनत ज्यादा से ज्यादा करिए नेक्स्ट देखिए परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी का सिंबल होता है म्यूनोट इसको हिंदी में पारगम्यता कहते हैं इसका डायमेंशन लिखने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं बी इक्वल टू म्यूनोटाई बाई टू आर जहां बी मैग्नेटिक फील्ड है जहां बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है आई क्या है करेंट और आर क्या है रेडियस ठीक है म्यूनोट बराबर क्या होगा यहां से म्यूनोट बराबर होगा बी इंटू टू आर बाय आई ऐसा लिख सकते हैं म्यूनोट का डायमेंशन इस सब के डायमेंशन के बराबर होगा टू का डायमेंशन नहीं होगा नंबर है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आपको हम याद करवाए थे टेबल टू में जो सत्रह डिराइव क्वांटिटी था टेबल टू का उसमें लास्ट वाला मैग्नेटिक फील्ड था जिसका डायमेंशन था एम टी माइनस टू आई माइनस वन ये आपको बोले थे याद रखने आर का मतलब रेडियस यानी लेंथ होगा आई का मतलब करेंट आई हो जाएगा तो म्यू नॉट का डायमेंशन क्या मिल गया सबसे पहले एम लिखो फिर देखो एल लिखो फिर टी लिखो और लास्ट में आई लिखो आई दो जगह है यहां वन पावर है घट जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू तो म्यूनोट का डायमेंशन मिल गया अब ऐसा यूनिट कहाँ से लिखेंगे फार्मूला से ये रहा म्यूनोट का फार्मूला टू का ऐसा यूनिट होगा नहीं मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है रेडियस का मीटर और करेंट का एम्पियर टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये ऐसा यूनिट हो गया और डायमेंशन यहाँ से आप लिख सकते हैं के मीटर सेकेंड माइनस टू एम्पियर -2. ठीक है नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है ई इलेक्ट्रिक फील्ड को विद्युत क्षेत्र कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले फॉर्मूला समझिए क्या होता है फोर्स बाई चार्ज फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है अगर यह Q एक चार्ज हो तो इसके चारों तरफ कौन सा फील्ड बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फोर्स और चार्ज के डायमेंशन के बराबर होगा फोर्स का डायमेंशन लिखो एम एल टी माइनस टू चार्ज का डायमेंशन आई टी तो इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा एम एल यहाँ भी टी है यहां भी टी है ये वन पावर ऊपर माइनस हो जाएगा तो माइनस थ्री और ये लास्ट में आई लिखोगे आई पर वन है ऊपर जाके माइनस वन सबसे पहले मास लिखोगे फिर लेंथ फिर टाइम फिर करेंट फिर टेम्परेचर फिर मोल फिर कैंडेला फिर मोल इस तरह से सेट करके लिखा जाता ऐसा यूनिट क्या होगा फोर्स का देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन चार्ज का कुलम न्यूटन पर कुलम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा ही मात्रा क्या हो गया न्यूटन पर कूलम अगर हम डायमेंशन से लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायमेंशन होता है डायमेंशन में सबका ऐसा यूनिट पुट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट मिल जाएगा मास का ऐसा यूनिट के जी लेंथ का मीटर टाइम का सेकेंड करेंट का एम्पियर के जी मीटर सेकेंड माइनस थ्री एम्पियर इनवर्स नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं इस सिंबल को पढ़ते हैं फाइ इसको हिंदी में विद्युत फ्लक्स कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया जहां ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और ए है एरिया फ्लक्स का डायमेंशन फील्ड इनटू एरिया के बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आपको तो याद नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है कि नहीं फोर्स बाय चार्ज फोर्स बाय चार्ज लिख दो इन टू एरिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां पे क्यों लिखा इसलिए लिखा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको डायमेंशन याद नहीं है क्योंकि टेबल टू में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं नहीं है तो टेबल टू में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन नहीं याद है तो क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डाल देंगे एफ बाई क्यू एरिया का डायमेंशन याद है तो एरिया को ए रहने दो अब देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर चार्ज का आई टी सबको सॉल्व करने पर यह डायमेंशन मिल गया एम एल इंटू एल सॉरी एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा यहां भी टी है यहां भी टी है ये वन ले जाके घटा दो माइनस थ्री आई पर पावर वन है ऊपर जाके माइनस वन इसका ऐसा यूनिट लिखना है फ्लक्स का अगर हम डायमेंशन से ऐसा यूनिट लिखें तो के जी मीटर क्यूब सेकेंड माइनस थ्री सेकेंड माइनस थ्री एमपीयर माइनस वन होगा यहां आई माइनस वन नहीं होगा एमपीयर माइनस वन होगा करेंट का ऐसा यूनिट एमपियर होता है इसका डायमेंशन आई या, या ए दोनों होता है तो इसका ऐसा यूनिट यहां से यह मिलेगा और अगर हम फॉर्मूला से लिखें तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फील्ड इन एरिया फील्ड का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कुलम एरिया का होता है मीटर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कुलम देखिए ऊपर में हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम यह फॉर्मूला से आया और ये डायमेंशन से आया ये दोनों ही ऐसा यूनिट सही है पर यह ज्यादा अप्रोप्रिएट है नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स इसको चुंबकीय फ्लक्स है, कहते हैं इसका सिंबल है फाई फाई बराबर होता B A, जहां B है बी इन टू ए जहाँ बी है मैग्नेटिक फील्ड और ए है एरिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मुला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आपको याद होगा एम टी माइनस टू आई माइनस वन एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर इसको सजा कर लिखिए तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आई माइनस वन हो गया एम फिर एल स्क्वायर फिर टी माइनस टू फिर आई माइनस वन इसका ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे इसके फॉर्मूला से लिखिए मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है एरिया का मीटर स्क्वायर टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया या अगर हम डायमेंशन से लिखे तो फ्लक्स का डायमेंशन यहां पर लिखा हुआ है के मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू एम्पियर इनवर्स नेक्स्ट क्या है एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा इसको हिंदी में कोनीय वेग कहते हैं देखिए वेलोसिटी दो टाइप का होता है एक होता है लीनियर वेलोसिटी एक होता है एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी कितने तरह का होता है दो तरह का लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी को हम सिंपली वेलोसिटी बोलते हैं वेलोसिटी का फार्मूला आपको याद है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हमने लिखा था टेबल टू में टेबल टू का पहला फिजिकल क्वांटिटी मैंने वेलोसिटी ही लिखा था तो वेलोसिटी का मतलब ही होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा कहते हैं यानी वेलोसिटी दो टाइप का हो गया यहां पर समझिए वेलोसिटी दो टाइप का होता है वेलोसिटी दो टाइप का होता है एक होता है लीनियर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी और एक होता है एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं लीनियर वेलोसिटी को हम केवल वेलोसिटी अगर केवल वेलोसिटी बोल रहे हैं तो मतलब लीनियर वेलोसिटी है इसका सिंबल भी होता है एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा होता है ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा बाई टी ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाई टी यानी एंगल बाई टाइम जैसे एक सर्किल है क्या है एक सर्किल है यानी वृत्त है ये सेंटर है कोई वस्तु पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया समझिएगा एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से चलते चलते पॉइंट बी पर चलाया तो ए से बी तक जाने में उसको टी टाइम लगा और टी टाइम में वह कितना एंगल घूम गया थीटा रेडियन तो अगर टी सेकेंड में थीटा रेडियन घूम रहा है तो एक सेकेंड में थीटा बाई टी रेडियन घूमेगा तो एक सेकेंड में जितना एंगल वह टर्न हो रहा है जितना एंगल वह घूम रहा है उसी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है थीटा बाई टी इसका डायमेंशन होगा थीटा बाई टी के बराबर थीटा का मतलब एंगल एंगल का डायमेंशन होता ही नहीं है यानी वन होता है डायमेंसन लेस होता है और टाइम का डायमेंशन टी टी माइनस वन हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला टी माइनस वन हो गया अब इसका ऐसा SI यूनिट हम फार्मूला से लिखेंगे थीटा का ऐसा SI यूनिट होता है रेडियन टाइम का ऐसा SI यूनिट होता है सेकेंड तो एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड होगा अगर हम डायमेंशन से निकालें तो टाइम का डायमेंशन सेकेंड सेकेंड इनवर्स आएगा जो कि गलत आएगा क्योंकि सेकेंड इनवर्स नहीं होता यहां पर डायमेंसन से अगर आप ऐसा यूनिट निकालेंगे तो सिर्फ सेकेंड इनवर्स आएगा जो कि रॉन्ग आएगा तो हमने आपको पहले ही बताया था कि डायमेंशन से ऐसा यूनिट लिखना हमेशा सही नहीं होता है यहां पर आप फॉर्मूला से लिखिए तो ज़्यादा सटीक आएगा रेडियन पर सेकेंड ठीक है तो इस केस में आप देख रहे हैं अभी तक तो मामला ठीक चल रहा था डायमेंशन से भी हम यूनिट निकाल रहे थे फॉर्मूला से भी निकाल रहे थे और सेम आ रहा था लेकिन अब आप देख रहे हैं डायमेंशन धोखा दे रहा डायमेंशन से यहां पे यूनिट क्या निकल रहा है सेकेंड इनवर्स फार्मूला से क्या निकल रहा है रेडियन पर सेकेंड तो ये सही है जो फार्मूला से आपने निकाला नेक्स्ट क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन इसको हिंदी में कहते हैं कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल है अल्फा आप देख पा रहे हैं अल्फा का फार्मूला होता है डेल्टा ओमेगा बाई टी डेल्टा ओमेगा का मतलब होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी होता है और डेल्टा ओमेगा का मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम यानी अल्फा का फार्मूला क्या हो गया डेल्टा ओमेगा बाय टी अल्फा का डायमेंशन किसके बराबर होगा डेल्टा ओमेगा टी के बराबर होगा देखिए एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन, एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन जिसको हम लोग सिर्फ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं सिर्फ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी त्वरण दो प्रकार का होता है एक होता रेखी है रेखीय त्वरण एक होता है कोणीय त्वरण रेखीय त्वरण को हम लोग सीधे तौर पे त्वरण भी बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा भी बाई टी लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा भी बाई टी लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लीनियर वेलोसिटी बाई टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लीनियर वेलोसिटी बाय टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम कोणीय त्वरण का फॉर्मूला होता है कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय रेखीय त्वरण का फॉर्मूला होता है रेखीय वेग में परिवर्तन बटे समय अब देखिए ओमेगा का डायमेंशन क्या होता है टी माइनस वन अभी अभी निकाले थे और टाइम का डायमेंशन टी तो ये वन जाके घटा दो टी माइनस टू तो अल्फा का डायमेंशन हो गया टी माइनस टू और अल्फा का फार्मूला होता है डेल्टा ओमेगा बाई टी ओमेगा का ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड तो रेडियन पर सेकेंड बाई सेकंड क्या हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड बाय सेकंड रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर तो एंगुलर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है ठीक है अगर आप यहां से लिखोगे इसका ऐसा यूनिट अल्फा के डायमेंशन से लिखोगे तो सेकेंड माइनस टू आएगा जो कि गलत आएगा इसलिए आप फॉर्मूला से लिखिए एंगुलर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर लीनियर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर हम एक्सेलरेशन बोलेंगे तो उसका मतलब लीनियर होगा यहां पर मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखा है ध्यान से समझिएगा एल क्या है इंडक्टेंस हमने पढ़ाया आर क्या है रेसिस्टेंस और सी क्या है कैपेसिटेंस ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी हो गया है एल बटे आर को हम टाइम कहते हैं यानी इंडक्टेंस बटे रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं टाइम क्यों कहते हैं इसका हम प्रूफ दिखा रहे हैं आर इंटू सी को भी टाइम कहते हैं इसको भी याद रखें एल इंटू सी को टाइम स्क्वायर कहते हैं और पी इंटू भी को वर्क कहते हैं यह तो अभी हम बता चुके थे कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम को वर्क कहते हैं जहां पी क्या है प्रेशर और भी क्या है वॉल्यूम आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एम इंटू जी इंटू एच यह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है तो यहां पर एम जी एच का मतलब एनर्जी हो गया एम क्या है मास जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्या है ये जो स्मॉल जी है इसको पढ़ते हैं एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण इसी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जी का वैल्यू आप क्या लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेशन का यूनिट होता है तो जी को कहते हैं एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण और एच क्या है हाइट अगर किसी वस्तु को जमीन से एच ऊंचाई पर रखा जाए तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच ये सब आप याद रखें एम जी एच को एनर्जी कहते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम को वर्क कहते हैं कैसे कहते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम को वर्क प्रेशर का डायमेंशन और वॉल्यूम का डायमेंशन मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क का डायमेंशन आएगा एल का डायमेंशन और सी का डायमेंशन मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम का स्क्वायर आएगा आर और सी के डायमेंशन को मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम आ जाएगा एल और आर के डायमेंशन को डिवाइड करोगे तो टाइम आएगा इसको एक बार देख लीजिए एल बाई आर का मतलब टाइम और आर सी का मतलब टाइम एल बाई आर का मतलब होता है टाइम इक्वेशन वन और आर सी का मतलब क्या होता है टाइम इक्वेशन टू दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वेशन को क्या करो मल्टीप्लाई करो इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन टू से क्या मिलेगा दोनों का एल मल्टीप्लाई करो तो पहले इक्वेशन का एल है एल वाई आर दूसरे इक्वेशन का एल है एस आर सी आर मल्टीप्लाई करो टाइम इन टाइम क्या हो जाएगा टाइम स्क्वायर आर कैंसिल तो एल इंटू सी इक्वल टू क्या मिल गया टाइम स्क्वायर अब समझ में आया एल इंटू सी को हम टाइम स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं अगर एल बाई आर को टाइम कहेंगे और आर सी को भी टाइम कहेंगे तो एल सी को क्या कहेंगे टाइम स्क्वायर देखिए आज के क्लास में हमने आपको बताया कि इंडक्टेंस का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आई माइनस टू और आर का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस टू ये एल का डायमेंशन होता है ये आर का आज के क्लास में मैंने बताया अब दोनों को अगर हम डिवाइड करें एल बटे आर का मान निकालें तो दोनों के डायमेंशन को भाग देने पर एम एम कैंसिल एल स्क्वायर कैंसिल आई माइनस टू कैंसिल क्या बचेगा टी ये माइनस टू और नीचे से माइनस थ्री ऊपर जाएगा प्लस थ्री तो थ्री माइनस टू वन यानी कि टी आ गया टी का मतलब क्या हो गया टाइम इसीलिए एल बाई आर को हम क्या कहते हैं टाइम कहते हैं अब समझ में आया एल बाई आर को हम टाइम क्यों कहते हैं एल बाई आर को इसलिए टाइम कहते हैं क्योंकि एल का डायमेंशन और आर के डायमेंशन को जब आप भाग दीजिएगा तो ये सॉल्व होकर टी आएगा यानी टाइम आएगा इससे फायदा क्या होगा देखिए इससे फायदा क्या होगा कि अगर देखिए ध्यान से समझिएगा इससे फायदा क्या है अगर आपसे कोई पूछे कि एल बाई आर का डायमेंशन क्या होगा तो आप क्या करेंगे आप एल का डायमेंशन लिखेंगे फिर आर का डायमेंशन लिखेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है तो इससे अच्छा है आप डायरेक्ट याद रखें एल बाई आर को अगर हम टाइम कहते हैं तो एल बाई आर का डायमेंशन टाइम के बराबर होगा आर सी का डायमेंशन टाइम के बराबर होगा अगर आपसे कोई पूछे प्रेशर और वॉल्यूम के डायमेंशन को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा तो अगर आप प्रेशर का अलग से डायमेंशन लिखेंगे वॉल्यूम का अलग से लिखेंगे टाइम लगेगा लेकिन अगर आपको याद है कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम को वर्क कहते हैं तो आप डायरेक्ट वर्क का डायमेंशन टी माइनस टू लिख सकते हैं तो इससे टाइम का बचत होता है हो तो टाइम तो लगेगा हम जानते हैं, को एनर्जी कहते हैं तो हम सीधा ML2, लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि एमजीएच को क्या कहते हैं तो आप डायमेंशन कैसे निकालिएगा एम का डायमेंशन आप लिखिएगा एम जी का मतलब एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू एच का मतलब लेंथ मतलब तो एम एल इन टू एल एल स्क्वायर टी माइनस टू तो ये तो एनर्जी का डायमेंशन होता है तो इससे क्या होता है टाइम बचत होता है इसलिए आप इसको भी याद रखें और भी बहुत सारा चीज है धीरे धीरे सीखिएगा तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास समझ में आया होगा और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा आज के क्लास में जितना भी हमने डिराइव क्वांटिटी पढ़ाया इसका डायमेंशन आपको निकालने के लिए सिखाया गया है हमने ये नहीं बताया कि इसको रटना है बिल्कुल नहीं इसको बिल्कुल नहीं याद करिएगा केवल आप प्रोसेस समझिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन निकालना हो या एसआई SI यूनिट निकालना हो या सीजीएस यूनिट निकालना हो कोई भी यूनिट निकालना हो तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए फिर उस फार्मूला में जिसका डायमेंशन निकालना उसको एक तरफ बाकी को दूसरे तरफ रखिए फिर सबका डायमेंशन सेट करिए सॉल्व करिए इस तरह से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं ठीक है तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा आप लोग खूब मेहनत करें कमेंट आप लोग कोई देते नहीं अलैव के स्टूडेंट्स अच्छा लग रहा है क्या लग रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट जरूर दें इससे हम लोग को समझ में आएगा और नेक्स्ट क्लास और बढ़िया कर पाएंगे ठीक है बच्चों थैंक यू